गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर अबाउट टू कंप्लीट द चैप्टर, जस्ट टू मोर क्लासेस एंड देन वी विल बी फिनिशिंग दिस चैप्टर. बाय दिस वीक योर सेकेंड चैप्टर विल बी कंप्लीटेड. वी विल बी थरो हाउ टू मेक अ पावर पॉइंट यूजिंग 2007. अब बच्चों, जब आप लोग पावर पॉइंट बनाओगे तो उसको रन भी तो करोगे, तो उसके क्या स्टेप्स होंगे आज हम ये सीखेंगे, और फिर प्रिंट कैसे करते हैं एक प्रेजेंटेशन को ये सीखेंगे. बहुत छोटे से और इजी टॉपिक्स हैं. आज हम लोग जल्दी से ये टॉपिक्स ख़त्म करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम अपने व्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे और हम स्विच कैसे कर सकते हैं उन व्यूज़ के बारे में. ये दो टॉपिक बाकी रहेंगे, इन दोनों को कवर करेंगे. तो सभी बच्चे पेज नंबर 40 अपनी बुक का खोलेंगे. आज हम लोग पेज नंबर 40 और थोड़ा सा पेज नंबर 41 को डिस्कस करेंगे. टू रन अ प्रेजेंटेशन, यू कैन रन अ स्लाइड यूजिंग ईदर ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स. अगर आप लोगों को अपनी स्लाइड शो करवानी है तो आप इनमें से कोई भी स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो. कोई भी स्टेप्स, मतलब आपको तीन स्टेप्स दें, आप किसी भी एक स्टेप को फॉलो कर सकते हो. सबसे ईजी होता है, आपको कीबोर्ड में F5 प्रेस कर दो. क्या कर सकते हो आप, जब प्रेस करोगे F5 तो हमारी स्लाइड शो जो है वो रन हो जाएगी, प्रेजेंटेशन रन हो जाएगी. अगर किसी को फर्स्ट स्टेप फॉलो नहीं करना है तो वो क्या करेगा, वो क्लिक करेगा स्लाइड शो मेन्यू पे. वो स्लाइड शो मेन्यू कहाँ है, स्लाइड शो मेन्यू हमारी रिबन पर होता है. रिबन टैब पर जाके स्लाइड शो मेन्यू पे क्लिक करेगा और वहाँ पर जाके फ्रॉम बिगनिंग से क्लिक कर देगा, जैसे कि यहाँ पर दिया है. आप लोग गए स्लाइड शो पे, स्लाइड शो के बाद आपने फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक कर दिया, तो इससे भी हमारा जो है प्रेजेंटेशन रन हो सकता है. क्लिक द स्लाइड शो आइकन इन द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ योर स्क्रीन. आपकी जो स्क्रीन है वहाँ पर स्लाइड शो आइकन अपीयर हो रहा होगा, वहाँ पर पे भी हम क्लिक कर सकते हैं. तो प्रेजेंटेशन रन करने के 3 स्टेप्स क्या है, कोई भी स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हो. अगर आप लोगों को F5 दबाना है कीबोर्ड पर तो आप F5 दबा सकते हो. अगर आप लोगों को क्लिक करना है स्लाइड शो मेन्यू पर जाके, फिर वहाँ से भी क्लिक कर सकते हो. आपकी स्क्रीन पर भी स्लाइड शो आइकन अपीयर हो रहा होगा, वहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हो. द स्लाइड शो स्टार्ट्स विद इट्स फर्स्ट प्रेजेंटेशन एंड यू कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड बाय ईदर क्लिकिंग द माउस और बाय क्लिकिंग द राइट एरो की ऑफ द कर्सर कंट्रोल कीज ऑन द कीबोर्ड. जब आपकी स्लाइड शो स्टार्ट होगी, या तो आप माउस से क्लिक कर सकते हो सेकेंड PPT पर आने के लिए, सेकेंड स्लाइड पर, वरना एरो कीज का भी यूज़ कर सकते हो. अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंटिंग अ प्रेजेंटेशन. हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं प्रेजेंटेशन, हम जाएंगे ऑफिस बटन मेन्यू पर. हमें पता है ऑफिस बटन मेन्यू कहाँ होता है हमारा, वहाँ पर हमने सेलेक्ट करेंगे प्रिंट पर. जब हम सेलेक्ट करेंगे प्रिंट पर तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. उसमें हमें क्या करना होगा, हमें नेम ऑप्शन से अपना क्लिक करना होगा नेम, और जो प्रिंटर हमारा सेलेक्टेड है कंप्यूटर से उसको सेलेक्ट करेंगे. फिर प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, वहाँ पर हम पेज साइज और ओरिएंटेशन करेंगे, यानी पोर्ट्रेट करना है या लैंडस्केप, वो हमारी रिक्वायर्ड विश पे वो करेगा, हमें अपनी रिक्वायर्ड विश पे करना है. फिर हमने क्या करना है, फिर हमने ओके क्लिक कर दिया. सेलेक्ट वन ऑफ द ऑप्शंस रिक्वायर्ड इन द प्रिंट रेंज कैटेगरी ईदर और करंट स्लाइड. अगर आपको सारी स्लाइड्स करनी है तो आप ऑल करोगे, अगर कुछ स्लाइड्स करनी है तो आप उन पर टिक कर दोगे. तो इसके बाद क्या करेंगे, हम प्रिंट पार्ट जो हमारा सेलेक्टेड है उसका हम लोग सेलेक्ट करेंगे उस पार्ट को, और फिर सारे ऑप्शन जब हम सेलेक्ट कर चुके होंगे तो हम ओके कर देंगे. क्या है प्रिंटिंग अ प्रेजेंटेशन, एक बार हम लोग बुक में पढ़ेंगे. द प्रिंटिंग ऑप्शंस इन पावर पॉइंट 2007 आर सिमिलर टू दोज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007. जैसे हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में सीखा था प्रिंट करना, वैसे ही सिमिलर हम लोग इसको प्रिंट करेंगे. यू कैन सेलेक्ट वेरियस ऑप्शंस फॉर प्रिंटिंग द स्लाइड्स.
color of black, white page orientation, paper size. You can also print one slide or number of slides on one page as required. ये हमारी requirement के हिसाब से हम अपनी slides को print करेंगे. क्या steps हैं? First, click on the office button menu. Second, select on print. A sub menu appears. Third, click on print option. A dialog box appears. Fourth, click on the name option drop down arrow and select the name of the printer you have connected. Click on the properties, a small dialog box appears. You can select the page size and orientation. Click OK after selecting. Select one of the requires in the print range category, either all or current slide. Iske baad hamara kya hai? Select the part of the part you want to print beside the print word. आपको स्लाइड्स करनी है तो स्लाइड्स करोगे, हैंडआउट्स करने तो हैंडआउट्स करोगे. इसके बाद आपने क्या किया, इसके बाद आपने ओके पर क्लिक कर देना है. ये था हमारा आज के टॉपिक. आपका होमवर्क है, राइट 3 स्टेप्स फॉर रनिंग अ प्रेजेंटेशन एंड हाउ राइट द स्टेप्स टू प्रिंट अ प्रेजेंटेशन. क्या क्वेश्चन है? राइट द स्टेप्स टू रन अ प्रेजेंटेशन एंड राइट द स्टेप्स टू प्रिंट अ प्रेजेंटेशन.